तो दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारा जो थर्ड टूल है स्पाइरल टूल। स्पाइरल टूल देखिए ऑप्शंस बाकी की तरह सेम यही होगी, आप ड्रैग करें तो वो उसी टाइम आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप ड्रैग ना करें, बटन को प्रेस करें एक बार और छोड़ दें तो उसकी जो प्रॉपर्टी खुलती है, ठीक है। जैसे ये मैंने एक बार बटन को प्रेस किया उसके बाद ही प्रॉपर्टी खुल गई। अब ये पूछता है कितने फीट रेडियस कितना देना है, 50% मैं चाहता हूँ यहाँ पे 150% चाहिए। डिके सी आपको कितनी चाहिए, सेगमेंट क्या चाहिए आपको, जो लाइन है उसमें कितने सेगमेंट चाहिए, जो आपका स्पाइरल टूल है कंप्लीट उसके अंदर कितने सेगमेंट चाहिए, वो आपको 10 चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फॉरवर्ड और रिवर्स हम दोनों टाइप से आपको यहाँ देख सकते हैं, देखिए ठीक है। ये जो यहाँ से जो डॉट दिख रहे हैं ना, यहाँ पे नोड्स बोल नोड भी कह सकते हैं इनको, ठीक है, एंकर पॉइंट भी बोलते हैं इनके, इनको बोलते हैं सेगमेंट। यहाँ तक, यहाँ तक एक सेगमेंट, यहाँ से दो, ठीक है, तीन, इतने सेगमेंट है हम इसको यूज कर सकते हैं। बाकी हम इनको जो हमारा सिस्टम है स्ट्रोक बिल्कुल सेम चीज़ है, स्ट्रोक देख सकते हैं, फील देख सकते हैं हम कैसे इसको यूनिफॉर्म फील देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, हमारा कोई स्टाइल फ्लोरल स्टाइल इस टाइप के हमें अगर कुछ बनाने हैं तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसको यूज़ करके बताता हूँ। देखिए जैसे हमने लाइन सेगमेंट टूल यहाँ से ड्रॉ कर लिया, ठीक है, आप ड्रॉ कर सकते हैं इसको। मैं आपको एक दो टूल और करके बताता हूँ। देखिए जैसे, ठीक है, इसको हमने थोड़ा छोटा एक बार रोटेट करते हैं इसको, ठीक है। आप यहां से इसको, चलिए इसको यहीं पे रखते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा लंबा कर लेते हैं, लंबा अच्छा नहीं लगेगा। चलिए मैं यहां से इस टूल से, या फिर हम इस टूल से इसको थोड़ा सा, तो इस एक ये टूल हो गया हमारा, इसको हम फिर से यूनिफॉर्म दे स्टाइल देते हैं, ठीक है। ऐसे इसकी हम एक डुप्लीकेट कॉपी लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और इसको राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट वर्टिकली, ठीक है, ओके कर देते हैं। यहाँ से देखिए आप इसको थोड़ा सा फिर साइड में ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसे ये हमारे पास दो फ्लोरल हो गए, ठीक है, अब आप चाहें तो इनके ऊपर कुछ और स्टाइल भी रख सकते हैं। तो चलिए मेरे पास जो पिछला जो हमारा ट्यूटोरियल था उसमें हमने किया था एक फ्लावर्स, इसको हम छोटा छोटा करते हैं, ठीक है, कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये स्टाइल हमारा हो गया, ठीक है, जो हमने स्पाइरल टूल लिया था उसकी मदद से। आप चाहें तो इसका थोड़ा सा स्टाइल और भी चेंज कर सकते हैं। स्पाइरल टूल एक छोटा ड्रॉ करते हैं यहाँ पे हम, ठीक है, इस तरीके से यहाँ से थोड़ा, ठीक है, स्ट्रोक देते हैं इसको हम 4, येल फील कलर जो है हमारा बिल्कुल रेड देते हैं, ठीक है। सेकंड हम इसकी कॉपी करते हैं, ओ सॉरी, तो इसको अब हम दोनों को अपने अपने जगह पे रखते हैं, ठीक है। या फिर इसको मैं रिफ्लेक्ट, चलिए रिफ्लेक्ट भी कर देते हैं यहाँ से, रिफ्लेक्ट, ओके, ठीक है। अब इसको सेंड बैकवर्ड फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है, इसको मैंने फॉरवर्ड किया, यहाँ से आप इसको भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बैकवर्ड सॉरी। तो दोस्तों इस तरीके से आप स्टाइल और भी आप चेंजेस चेंजेस जो है इसके अंदर काफ़ी सारी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं स्ट्रोक कलर ये देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से स्पाइरल टूल के माध्यम से भी आप काफ़ी अच्छे अच्छे जो है स्टाइल और डिजाइन बना सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसको ग्रुप में कन्वर्ट करके, ठीक है, आप इसकी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको यहाँ पे रोटे, ठीक है, थोड़ा सा इसका मैं छोटा स्टाइल लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे रख सकते हैं ऐसे स्टाइल। अगर आपको कोई पैटर्न
टाइप इस टाइप की चीजें कुछ तैयार करनी, तो अब ये जो हमारा स्पाइरल टूल है इसको यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम जो हमारा अगला टूल है वो हम रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल है, हम अगले वीडियो में आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो